What's up guys, it's me Ansh and I'm back with another video. So guys, आप लोग मेरे से बोल रहे थे कि हमारे जो Redmi Note 9 डिवाइस के लिए एक नोटिफिकेशन लाइट नहीं आ रही है. तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इसमें नोटिफिकेशन लाइट को कैसे इनेबल कर सकते हो, है ना. तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी. इस वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना. चलते हम लोग यहाँ से वीडियो की तरफ. आज की वीडियो में हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक ऐप का जिसका नाम है ऑलवेज ऑन LED. तो आप लोगों को इसको इनेबल कर देना है. देन आप लोग जब भी इसको वो करोगे ना, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू एक बार दिखा देता हूँ. तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे आप लोगों को LED लाइट दिखेगी. सो इसको तो मैं यहाँ से अभी बैक कर देता हूँ. देन इसके बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जाना है ऐप के मेन सेटिंग में. आप लोगों को जितने भी यहाँ पे परमिशन मिलने हैं सबको अलाउ कर देना है. देन उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है. इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मेन चीज़ करनी है, लाइटनिंग सेटिंग में आना है. आप लोगों को यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, ताकि आप लोग सेम आप लोगों को ऐसी सेटिंग रखनी है. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यही वाली आप लोगों को सेम सेटिंग्स रखनी है सबका. आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो. आप लोगों को यही सब एकदम सेम रखना है, ओपे करना है. और ये चीज़ का आप लोग ज़रूर से स्क्रीनशॉट खींच लेना. आप लोगों को ये जो साइज़ है वो एकदम 115 देन 14 एंड 8, और यहाँ पर आप लोगों को सेम यही साइज़ रखना है. लोगों ना यही सारी सेटिंग है इसका. आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से खींच लो. और आप लोगों को यही प्लेसमेंट रखनी है. मैं आप लोगों को और एक बार दिखा देता हूँ. ये साइज़ है, ये सब आप लोगों को करना है. देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये सेम चीज़ें कर देनी है. सब आप लोग यहाँ पर देख लो. देन इसके बाद आप लोग एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हो. आप लोग ये चीज़ तो अपने हिसाब से कर सकते हो. आप लोगों को LED चाहिए कि यहाँ पर आप लोगों को LED पर मत करना. आप लोगों को यहाँ पे आना है फ्लिकर पे. तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों का ये फ्लिक करेगा, ऐसे करके फ्लिक करेगा, तो जो कि काफ़ी सही है. आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो. यहाँ पे आप लोगों को एक और ऑप्शन पूछेगा, कंटिन्यूज़ या फिर इंटरमीडिएट. तो इंटरमीडिएट पे मत करना, कंटिन्यूज़ करना. नॉर्मल ग्लो या फिर डेस्ट, आप लोगों को ग्लो पे करना है ताकि वो ग्लो करे. स्पीड आप लोगों को 3 रखनी है. देन आप लोग यहाँ पर सेव कर देना है. सेव करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कलर, एक बार कलर भी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो. मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ. चलो ठीक है, रेड पे आप लोग देखो, रेड आ गई. अब आप लोगों को यहाँ पे सेव कर देना है. सेव करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बैक करना है. मैं आप लोगों को एक बार प्रीव्यू फिर से दिखाता हूँ. तो यहाँ पर ये सब हो गया. तो आप लोग ऐसे ही करके इसको कर सकते हो इनेबल. और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना. और आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही था. मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक ले, बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.